वो कौन था, किधर गया बोलो? कुछ पता नहीं इंस्पेक्टर साहब, इन लोगों ने मुझे इतना मारा कि मैं बेहोश हो गया, और जब आंख खुली तो ये बैग मेरे पास पड़ा हुआ था और ये लोग मरे पड़े थे और मैं कुछ नहीं जानता, कुछ नहीं जानता। साहब तीनों गुंडे लगते हैं। ये शायद रॉबिन हुड का ही काम लगता है। रॉबिन हुड किल्स 3 मोर गुंडास। द सिटी लास्ट नाइट कॉट इन द ग्रिप ऑफ ए सीवियर क्राइम वेव, टुक ए साई ऑफ रिलीफ व्हेन द मिस्टीरियस रॉबिन हुड किल्ड 3 मोर क्रिमिनल्स होम ही कॉट इन द एक्ट ऑफ कमिटिंग क्राइम। आइए प्रोफेसर। अरे प्रभात, आज की हेडलाइंस पढ़ी तुमने? रॉबिन हुड ने 3 और गुंडों को मार दिया है, सबके सब जेल काट के आए थे। लगता है वो गुंडों के पीछे पड़ चुका है। अरे भाई, वो उनको गिन गिन के मार रहा है। वाह, क्या अच्छी खबर लाए हो। रात को गुंडों ने घर से निकलना बंद कर दिया और शरीफ आदमी आसानी से घूम रहे सड़कों पर। वाह वाह, क्या अकल युग आया। रोज हमारे 2-3 आदमी मारे जा रहे हैं और एक आदमी को मार नहीं सकते तुम लोग। किसे मारे सर? पता नहीं वो भूत की तरह किधर से आता है और किधर चला जाता है। मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। जरा मिनिस्टर साहब को फोन लगाना। रात को घर से निकलना बंद कर दिया। हेलो सर, आपका फोन। हेलो, ये जगमोहन दास जी। कहिए मंत्री जी, कैसे हैं आप? ठीक हूँ, फरमाइए। ये आपके राज में क्या चल रहा है मंत्री जी? एक खूनी रोज 2-3 खून कर रहा है और आपकी पुलिस उसे पकड़ नहीं पा रही। नहीं, कहते हैं बंबई की पुलिस बड़ी काबिल है, उसके बावजूद भी नहीं पकड़ पा रही, या पकड़ना नहीं चाहती? नहीं, मजाक कर रहा। जो भी कुछ करना है जल्दी कीजिए, बड़ी बदनामी हो रही है। घबराइए मत, अभी फोन कर देता हूँ पुलिस कमिश्नर को। नो, इट्स ऑल राइट, इट्स ऑल राइट। प्लीज गेट मी द पुलिस कमिश्नर। डोंट वरी सर, मैं अपने सबसे होशियार आदमी को इस काम पे लगा दूंगा। ही इज इंस्पेक्टर शफी। आओ शफी, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था, बैठो। शुक्रिया साहब, आपने हुक्म किया और हम हाजिर हो गए, लेकिन आपकी बात समझ में नहीं आई। क्यों? बैठे बिठाए आपको रॉबिन हुड पकड़ने की क्या सोचे साहब? वो तो अच्छा काम कर रहा है, हमारा काम कर रहा है, पुलिस का काम कर रहा है, करने दो उसे। वो काम करेगा, हम चाय पीते हैं, मूंगफली खाएंगे। आप तुम्हें खाओ। सर साहब, जो काम आप पिछले 25-25 साल में नहीं कर पाए, इसने 10 दिन में कर दिखाया। हम अगर मुजरिमों को पकड़ लेते हैं, गुंडों को पकड़ लेते हैं, तो हमारे पास सबूत नहीं होता। सबूत होता है तो कोई गुंडे का बाप ऊपर से पैदा हो जाता है, जो ऊपर से सिफारिश लेकर आता। लेकिन ये रॉबिन हुड तो सिफारिश की नौबत ही नहीं आने देता। यही तो कमाल की बात है साहब, यही तो मैं भी कह रहा हूं कि कमाल हो गया। जिस जगह जुर्म, उस जगह सजा, न रहेगा मुजरिम, न लगेगी कचहरी। वेरी गुड, सिंपल, वेरी नाइस। वो तो ठीक है यार, लेकिन मिनिस्टर साहब के फोन का क्या होगा? वो कहते हैं उसे पकड़ना ही होगा। जाने दो ना साहब। अच्छा, नौकरी नहीं करोगे? वो तो करनी है साहब, करनी है। हुक्म तो मानना ही पड़ेगा, चाहे गलत ही सही। जाके गिरफ्तार कर लेता हूं शरीफ आदमी को। गुड लक टू यू। थैंक यू सर। चाय। बहुत दिनों से तुमसे एक बात पूछना चाहती हूं। पूछो। उस दिन इंस्पेक्टर से क्यों कहा कि तुमने किसी को नहीं देखा? क्या होता बता के? उन्हें सजा तो मिल जाती। कैसे कह सकती हो? शायद वो दिल्ली में किसी मंत्री के साथ मीटिंग कर रहे होते, या किसी न किसी अस्पताल में सबके सब इलाज करा रहे होते। आज गली गली में किसी न किसी मधु के साथ यही हो रहा है, और
हम कुछ नहीं कर पा रहे। कैसी आजादी है ये? आजादी तो गुलामी से भी बुरी है रजनी, कि एक भाई के सामने एक बहन का बलात्कार हो और भाई कुछ ना कर पाए। वो भैया भैया चिल्लाती रही मैं कुछ नहीं कर सका, मैं कुछ नहीं कर सका रजनी, रजनी मैं कुछ नहीं कर सका, चिल्लाती रही मैं कुछ नहीं कर सका, चिल्लाती रही मैं कुछ नहीं कर सका, मैं कुछ नहीं कर सका, मैं कुछ नहीं कर सका। मैंने आप लोगों को इसलिए बुलाया है, आपके एरिया में रॉबिनहुड के नाम से जितने भी खून हुए हैं मुझे उसकी कंप्लीट रिपोर्ट चाहिए। नंबर एक, मरने वालों के नाम, उनके पते, उनका पिछला रिकॉर्ड, किसी जुर्म में कभी पकड़े गए थे या नहीं, और अगर पकड़े गए थे तो सजा हुई थी या नहीं हुई। एंड नंबर टू, ये जितने भी खून हुए एक ही पिस्तौल से हुए हैं, क्या आपके पास ऐसी रिपोर्ट है कि इसी पिस्तौल से दूसरे खून हुए हैं? हुआ था सर। किसका? भारत कॉलोनी के कृष्ण खन्ना का सर, जो कि एक रंडी खाना चलाता था सर। कब हुआ था? इन सब खूनों के तकरीबन एक हफ्ता पहले सर। वीर कर, मुझे उसकी फाइल चाहिए। मिल जाएगी सर, जल्द से जल्द, इससे पहले कि वो दूसरा खून कर बैठे। राइट सर। ये चलते क्यों नहीं? तुमको कितनी बार बोला है कि सेकंड हैंड चीजें खरीदना बंद करो, लेकिन तुम हो कि जो चीज देखी वो उसी वक्त मांगता है। अब लगाओ धक्का इसको। अरे बीवी, तुम सेकंड हैंड की बात कर रही हो, आजकल तो नई स्कूटर का भी कोई भरोसा नहीं। ये तुम परेड करना बंद कर दो, इतनी रात में कोई रुकने वाला नहीं। रुकती नहीं, आजकल के टैक्सी तो ऐसे ही होते हैं। ओफ़, अरे देखो तो आ रही है वो। अरे सुन तो क्या आ रही है, उसे पूछो ना हमें लिफ्ट देंगे क्या। आगे मत बढ़ना।
भगवान की दया से घाव ज्यादा गहरा नहीं है। तुम आराम करो, मैं कॉफी लेकर आती हूं। अपने लिए नहीं बनाई, तुम्हारे इंतजार में दो बार पी चुकी हूं, तुम पी लो। आधी आधी बांट लेते हैं। जो बांटने की चीजें हैं वो तो बांटते नहीं। क्या? जिंदगी, दर्द, राज। राज तो अब तुम जान ही गई हो, जिंदगी मेरी कब की खत्म हो चुकी है। और दर्द उसी के सहारे तो जी रहा हूं, उसी की ताकत से लड़ रहा हूं। वो भी बांट लूंगा तो ना जी पाऊंगा ना लड़ पाऊंगा। और ये लड़ाई अभी मैं बंद नहीं करना चाहता रहते। इस लड़ाई का अंत जानते हो ना? इसलिए तो कहता हूं कि अपने लिए एक नया रास्ता, नई मंजिल देख लो, क्योंकि मैं जिस रास्ते पर चल रहा हूं वो सिर्फ मौत की तरफ जाता है। तुम मेरी जिंदगी हो, जिंदगी और मौत कभी नहीं मिलते। रजनी के मायने जानते हो ना? रात जो सिर्फ प्रभात के लिए जीती है और प्रभात के लिए मरती है, मुझसे अपना दर्द नहीं बांटते तो ना बांटो, लेकिन मुझसे मेरी मंजिल तो ना छीनो, प्लीज। नहीं श्रीवास्तव, नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? एक आदमी ने आपके सामने आप दोनों की जान बचाने के लिए उस गुंडे पर गोली चलाई और आपको उसकी शक्ल तक याद नहीं? याद है, अच्छी तरह याद है, लेकिन आपको बताऊंगा नहीं। इंस्पेक्टर, उस आदमी ने मेरी जान बचाई, मेरी बीवी की इज्जत बचाई। मैं पूछता हूं, उस रात को जब हम मदद मदद मांगते चिल्ला रहे थे, उस वक्त आप कहां थे? कहां थी आपकी वो पुलिस? क्या कर रहे थे आप सब लोग? देखिए, आप मुझे समझने की कोशिश कीजिए। वो जो भी एक खूनी है, एक हत्यारा है, और एक खूनी को बचाना, उसका नाम छुपाना गैर कानूनी है। अच्छा, यही होगा, आप मुझे उसका नाम और हुलिया बता दें। तुमको उसका नाम मांगता, उसका शक्ल मांगता, उसका फोटोग्राफ मांगता, कम कम विद मी, हम तुमको बताएगा, कम। हाँ बोला कम। आइए देखिए इसे, यही है वो, कर लीजिए गिरफ्तार। दिस इज योर मैन, अरेस्ट हिम एंड बी हैप्पी, जस्ट बी हैप्पी। मजाक कर रही हैं आप मुझसे? मजाक तो आप कर रहे हैं साहब, क्या समझते हैं आप? जिस आदमी ने भगवान की तरह आकर हमारी रक्षा की, उसे हम पुलिस के हवाले कर देंगे? भूल जाइए साहब, हम अपनी जान दे देंगे लेकिन उसके बारे में कुछ नहीं कहेंगे, कुछ नहीं, हरगिज नहीं। दोस्तों, मेरे विद्यार्थियों, आज इस स्वतंत्रता दिवस के समारोह में मुझसे कुछ कहने को कहा गया है। मैं जो कहने जा रहा हूं, ये आवाज, ये प्रार्थना मेरी नहीं, आप सबकी है, इस देश के उस हर सच्चे नागरिक की है जिसने भारत मां को बिलखते हुए देखा है। किशन खन्ना की कंप्लेंट प्रोफेसर प्रभात वर्मा ने की जी। प्रवीर कर जी, ये प्रोफेसर प्रभात वर्मा कौन है?
सर आपको याद नहीं जिसकी माँ का खून हुआ था और उसकी बहन का मासरेप हुआ था, लेकिन अभी तक कोई पकड़ा नहीं गया सर। मासरेप जी। कब हुआ था ये रेप? 9 दिसंबर सर। और किशन खन्ना का खून 10 दिसंबर को हुआ था, राइट? राइट सर। उसी रिवॉल्वर से जिससे रॉबिन हुड खून करता है। यस सर। वीरगर सर, प्रभात वर्मा पर नजर रखी जाए। मॉडर्न होटल चल। पुलिस, उस टैक्सी का पीछा करो। प्रभात अभी मॉडर्न होटल गए सर। मॉडर्न होटल? यस सर। कौन सा कमरा? जी वो पता नहीं, तुम पता लगा के रखो, मैं अभी आया। राइट। आइए सर, दिस साइड। ये वो कमरा सर। कार्यक्रम के समाप्त होने के बाद राष्ट्रपति महोदय वायुसेना के विशेष विमान द्वारा राजधानी के लिए रवाना हो गए। इन दिनों बंबई शहर में एक खूनी चर्चा का विषय बना हुआ है जो हुंडों और बदमाशों का खून कर रहा है। पुलिस कमिश्नर साठ ने हमारे संवाददाताओं को बताया कि पुलिस की बहुत जोरों से तहकीकात चल रही है। और अब सुनिए खेल समाचार। आज सिडनी में भारत तथा ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जा रहे 5वें क्रिकेट टेस्ट मैच का टैक्सी, उस कार के पीछे चलो। Hello. 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 Hi.
It's okay. Good. Where's my money? अभी निकलता हूँ. Ah!